हमें सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पीना है, स्नैक्स खाने बहुत जरूरी है। शनाया तो ये कलरफुल पेन पेन टॉनिक के अपने पास हमेशा रखती है। किताबें खुल गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, गाइस आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारा होल एग्जाम डे रूटीन। भाई ये जब एग्जाम आते हैं ना, बस पूछो मत, पूरा घर उल्टा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, पढ़ाई तो सबने करनी है। आज का सारा वीडियो बच्चे आपको बताएंगे कि वो सारा दिन क्या करते हैं। मेरा काम आज सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इनको उठाना और बस काम पे लगाना। आओ इनको उठाएं। गुड मॉर्निंग। इसको उठाती हूँ और फिर आपको हम बताते हैं हमारा पूरा एग्जाम डे रूटीन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मम्मा ने मुझे बहुत समय से उठा दिया। आज पेपर्स आने वाले हैं और हमें थोड़ा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, सो हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा अब। एंड सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है, मम्मा प्रेफर करती है कि सुबह सुबह पढ़ लें हम। एंड चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइस हमें सुबह उठते ही बहुत सारा पानी पीना है, जिससे अपने आप को हाइड्रेट रखना है और इससे हमें पूरे दिन फ्रेश लगेगा। तो गाइस अब मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और अब चलते हैं गार्डन में, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वार्म अप होएंगे एंड फिर पढ़ने बैठेंगे। तो गाइस अब शनाया को भी ले लेते हैं। शनाया गार्डन चलते हैं, आजा। सियान तू भी आजा। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उठो, सोना नहीं है, उठो। गाइस मॉर्निंग में हमारा काढ़ा टाइम हो जाता है। काढ़ा मैं ज़रूर बनाती हूँ बच्चों के लिए। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर करी थी शायद, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। ये एवरीडे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं इनको पिलाती हूँ। शनाया सियान काम। गाइस इसको मैं बनाती हूँ कच्ची हल्दी, अजवाइन, जीरा एंड गुड़ एंड अदरक, दालचीनी एंड मुलट्ठी, बहुत सारी चीज़ें डालकर, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है और बीमार होना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बॉस। तो हेल्दी चीज़ें कीप्स यू स्ट्रांग, इम्यूनिटी हाई। चलो पी के रखो फटाफट। शाबाश। चलो आओ फटाफट नहाओ धो एंड गेट ऑन टू स्टडी। पहले ब्रेकफास्ट करोगे या नहाने जा रहे हो? नहा लेते हैं। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट भी लगाती हूँ। ओके। हाँ जी, हम हो गए हैं सारे रेडी, नहा धोकर परफेक्ट क्रिस्प रेडी। आओ देखिए बच्चे रेडी हुए कि नहीं हुए। गाइस नहाना बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ नाइट सूट में आप बोलो हम सारा दिन बैठे हैं, नो नॉट हैपनिंग। प्लीज नहा कर फ्रेश होकर एक वाइब अलग आ जाती है ना। आओ चेक करें बच्चे ने नहा लिया कि नहीं। और हाँ आप सोच रही होगी मेरे हाथ में क्या है, आओ दिखाती हूँ। Hi Shanaya, you ready? Yes. Good girl. कितनी अच्छी लग रही है। मैं Shanaya दीदी के लिए लाई हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट खाने बहुत जरूरी है, नट्स खाने बहुत जरूरी है। क्या खाओगी बेटी? सारी चीजें एक मुट्ठी भर के उठा लो, बहुत जरूरी है। एक मुट्ठी भर खाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश। बादाम, कई बारी मैं बादाम भिगो कर खिलाती हूँ, मगर अब विंटर्स है तो ऐसे भी खिला देती हूँ, मगर समर्स में भिगो कर। शाबाश, गुड गुड। मैं नाना को भी दूँ? यस। थाओ जी शनाया। अनान्या, सॉरी, कोई बात नहीं। अनान्या, यार मेरा चलता रहता है, मैं अनान्या शनाया से करती रहती हूँ। तो
गाइस हमारी फर्स्ट शिफ्ट पढ़ाई की लग चुकी है, किताबें खुल गई हैं। एंड लेट मी टेल यू, हियर इज अ क्विक थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये बच्चे मार्कर्स, कलरफुल मार्कर्स, कलरफुल स्टिकी नोट्स, कलरफुल पेंसिल्स यूज करते हैं, बिकॉज कलर थेरेपी जो होती है ना, ये हमारे माइंड को बड़ा लाइटन करती है। और अलग अलग कलर से अगर हम मार्क करो, अंडरलाइन करो, सो इट गिव्स अ वेरी सूदिंग और बड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो जरूर ट्राई करो अलग अलग मार्कर्स के साथ। ठीक है बेटा जी, शुरू हो जाओ। चलो लो जी, अगर मैं आपको शनाया की कलेक्शन दिखाऊँ ना तो आप तो बस फिदा ही हो जाओगे। शनाया तो ये कलरफुल पेंस पेंटोनिक के अपने पास हमेशा रखती है, एंड देन कैलीग्राफी ये बहुत अच्छी करती है, तो कैलीग्राफी पेंस तो उसके पास हमेशा होते हैं। और भी दिखा दो पेन जी, वही दिखाई जा रही है। और ये दिखा दो, बस हो गया, दिखा दो जितने हैं। सो ये हाइलाइटर्स हैं कुछ, ये पिंक है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये लाइट पिंक है, ये टील है, ये वाला मेरे पास इरेजेबल है, पूरा सेट है, ये एक ही है बस। दिस इज ब्लैक जेल पेन, दीज टू आर ब्लैक जेल पेन, ये मेरा फेवरेट है, V7RT एंड V5RT, ये मेरे फेवरेट पेन है। फिर मेरे पास ब्लू में भी है, ये एक यूनिवर्सल बॉल पेन है, ये पेंटोनिक का ब्लू पेन है। देखो गाइस, ये शनाया ने हेडिंग लिखी है, इतनी सुंदर कैलीग्राफी करती है, और फिर इसके नीचे जब लिखेगी, आई टोल्ड यू कलर थेरेपी, लुक एट दिस कलर, स्टार, सितारे, मोती, तारे, पता नहीं क्या क्या हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, बट दैट्स वेरी गुड। हाँ, ये इसकी नोटबुक्स में भी होता है, एंड आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट दिस। गुड, आ जाओ बैठो करो। सो गाइस, लंच के लिए आज हमारी तैयारी हो गई है। लंच में हमने बनाया है मूंग साबत, ग्रीन वाली दाल, इज वेरी नरिशिंग। हाँ, और जिसके स्प्राउट्स बनते हैं तो ये अपने आप में बहुत हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन। और फिर हमने बनाया है मेथी आलू। मेथी आलू सर्दियों में नहीं खाए तो यार क्या करा, एंड दिस इज सो हेल्दी। तो बच्चों को नरिशिंग खाना तो देना बनता ही है बॉस, दे हैव टू हैव हेल्दी फूड। हेल्दी लंच करेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना? आप भी हेल्दी खाओ, जंक मत खाओ, फ्राइड मत खाओ। गाइस, इतना ज्यादा लेथार्जिक बना देते हैं, एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। ईट हेल्दी प्रोटीन रिच फूड। गाइस, सियान अभी कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सियान को भी दूध पिला देती हूँ। तो उसके अंदर मैं सियान के लिए ये प्रोटीन रिच पाउडर यूज करती हूँ। सो दिस इज हाईली हाईली रिच इन प्रोटीन। तो सियान को ये वाला अभी दूध पिला देते हैं विद नट्स। और हाँ, ये सेम चीज मैं अनाना शनाया को भी देती हूँ शाम को। ओके गाइज, ये फर्स्ट फ्लोर पे ना मेरा जो टेबल है, मिनी किचन है। यहाँ पर इतना सामान कुछ पड़ा होता है, बस आप देखना मत, आंखें बंद कर लेना, ये बस पड़ा होता है, हर एक के घरों में होता है। क्योंकि बार बार नीचे जाना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है बॉस। चमन प्राश सर्दियों में बहुत जरूरी हो जाता है, और चेंजिंग वेदर में बीमार होना एग्जाम डेज में तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते बॉस। आपको खाना है, हेल्दी इम्यूनिटी बना के रखनी है। ये मेरी प्लेट यही बड़ी होती है, स्पून पड़े होते हैं, आओ चम्मच उठाओ, खाओ और चलते बनो, और बीमार होने की सोचना भी नहीं। ओके क्योंकि हम एक तो काढ़ा पी रहे थे मॉर्निंग में, याद है आपको, काढ़ा भी पीते हैं, ये भी खाते हैं, और रात को अदरक शहद भी पीते हैं, तो गला तो खराब होना बनता ही नहीं है। यस गाइज, आपने देखा शनाया की ये हैबिट है, शनाया लिख के लर्न करती है, एंड लुक हैट हर ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। ये बच्ची बस कमाल है। पढ़ती है, लिखती है, पढ़ती है, लिखती है, और उसको याद हो जाता है। दैट्स द वेरी गुड स्ट्रैटेजी, लिख के पढ़ो। सियान तो भी छोटा है, तो उसको तो मैं पीछे पड़ी रहती हूँ कि लिखो। अनान्या की और स्टेज ऊपर हो गई है, तो आई ऑल्सो टेल हर, बट प्रेशर इतना होता है, जितना हो सकता है वो करती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और शनाया मैं सुन लेती हूँ। yes. हो गया ये? ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, यहाँ ब्रेक के नाम पे पहले लड़ाइयाँ होती हैं, बट कोई बात नहीं, ये भी तो जरूरी है। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, यहाँ तो लड़ाई नहीं खत्म हो रही यार, आपके घर में भी ऐसा होता है? होता होगा, आई बिलीव सो।
मगर इनके लिए मैं एक सरप्राइज लाई हूँ। गाइस हंसना बहुत जरूरी है, मस्ती बहुत जरूरी है, उठ के बैठ बनाना। इनके तो नेल शुरू हो गए हैं गाइस। आप आई एम श्योर आपने हमारा ये वाला एग्जाम रूटीन एंजॉय किया होगा, आपने कुछ तो इसमें सीखा होगा। अगर आप भी कुछ एक्स्ट्रा करती हो तो हमें बताना, हम भी वो करना चाहेंगे। एंड लो जी, यहाँ तो अलग कहानी शुरू हो गई। नो प्रॉब्लम यार, मस्ती तो बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स गाइस, पहले अपने फ्रेंड्स को बाय कर देते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज हैक्स यूज करिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चांस। मेहनत पूरी करनी है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, मगर मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, एंजॉय योर स्टडी, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना। बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बेस्ट पिकनिक एवर, हॉर्स राइडिंग मैजिक शो, मजा आ गया। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। गाइस हमने पिकनिक में क्या क्या किया ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है।